है फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। ये दोस्तों, इसमें समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, महिला बुद्ध स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसको एनएम कहते हैं, और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी व समकक्ष पदों की सीधी भर्ती आए हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एमएलटी अर्थात मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट से रिलेटेड जितने भी पाठ्यक्रम है, सिलेबस से वो सिलेबस हम कवर कर सकते हैं कि नहीं, और उसके क्या क्या वीडियो आपको चाहिए, तो आपको मैंने क्या क्या वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है फ्रेंड्स। तो ये सारे आज पीडीएफ के बारे में, जो इसका सिलेबस है उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सिलेबस को देखते हैं और अपना स्टडी को कंफर्म करते हैं और अपना एक सीट पक्का करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसका देख सकते हैं फॉर्म का ब्यूरो दिया गया है, तो हम सबसे पहले सिलेबस पे जाते हैं। तो पेज नंबर 66 में दिया हुआ है सिलेबस, जिसमें आप देखेंगे फ्रेंड्स टोटल 100 अंकों का यहाँ दिया हुआ है। 100 अंकों में फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे जो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और अभिरुचि, ये सब मिला के 25 अंकों का बनाया गया है। वही जो हमारे विषय के आधारित जो होता है तकनीकी ट्रेड का, वो 75 नंबर का है। इस तरीके से कुल 100 अंकों का आएगा। तो चलिए अब इलेक्ट्रिकल का देख लेते हैं कि कौन कौन सा दिया हुआ है। तो यहाँ आप नीचे आ जाइए स्क्रॉल करके, और यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिकल का पाठ्यक्रम यहाँ आ चुका है। तो पाठ्यक्रम को विस्तृत से हम देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें लैब टेक्निशियन या लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक, तकनीकी सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन या टेक्नीशियन असिस्टेंट, इन सारे पोस्ट के लिए जो दिया गया है इसमें कौन कौन सा सिलेबस कवर है। तो सबसे पहला है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसके बहुत सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे फ्रेंड्स एमएलटी अड्डा। इसके अलावा आप मेडिकल ट्यूबर्स भी मेरा सेकेंड चैनल है, वहां जाके आप देख सकते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी ऑफ फंक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ द ऑल ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जो ह्यूमन बॉडी के सभी सिस्टम है उनके फिजियोलॉजिकल अर्थात कार्यात्मक जो इकाई होती है उसके बारे में बताया गया है, इससे संबंधित क्वेश्चंस। सेकंड है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें बायोमेडिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट एंड कार्डियक प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, तो ये बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा। अब बात करते हैं हीमेटोलॉजी, जिसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड एंटीकोगुलेंट्स, एचबी एस्टिमेशन, टीआरबीसी काउंट टोटल एंड आरबीसी, एनीमियास, प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म्स, लिपोपोइसिस, टीडब्ल्यूसी टोटल, डब्ल्यूबीसी काउंट एंड डिफरेंस डब्ल्यूबीसी काउंट, एब्सोल्यूट वैल्यू, ईएसआर, पीसीबी, रेटिकुलोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट, बीटी एंड ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम, एली सेल प्रिपरेशन, सिकलिंग टेस्ट, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, बोन मैरो एग्जामिनेशन, ये था हिमेटोलॉजी से। फिर आता है ब्लड बैंकिंग, जिसमें ब्लड ग्रुप, क्रॉस मैचिंग, कॉम्ब टेस्ट, डोनर स्क्रीनिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड कंपोनेंट्स, तो ये दिया हुआ है ब्लड बैंक से रिलेटेड। अब क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसमें देखेंगे फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का तीनों प्रकार का जो फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद स्टूल एग्जामिनेशन, सीमेन एग्जामिनेशन एंड सीएसएफ एग्जामिनेशन। इसके बाद पैरासाइटोलॉजी, जिसमें पैरासाइट्स इन ब्लड, स्टूल एंड यूरिन, इसके बारे में माइक्रोबायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, कल्चर एंड आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, कोगाई, बेसिले, एनएरोबिक स्पोर। तो अब सीरोलॉजी, एंटीजन, एंटीबॉडी, डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, वीडीआरएल, आरए टेस्ट, विडाल टेस्ट, एलाइजा टेस्ट। इसके बाद हिस्टोलॉजी से आता है, हिस्टोलॉजी में फिक्सेटिव्स, टिश्यू प्रोसेसिंग, इम्प्रेनेशन, ब्लॉक मेकिंग, सेक्शन कटिंग, बेसिक स्टेनिंग ऑफ सेक्शन, कलेक्शन ऑफ टिश्यूज फॉर हिस्टोलॉजी मेथड्स एंड डीकैल्सिफिकेशन, ये सारे हिस्टोलॉजी। तो फ्रेंड्स आप सभी को हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, सरोलॉजी से काफी वीडियोस मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है साइटोलॉजी, जिसमें देखेंगे टेक्निक ऑफ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, फिक्सेटिव्स, फिक्सेटिव एंड स्टेनिंग प्रोसीजर, ये साइटोलॉजी अर्थात जो कोशिकाओं का ज्ञान होता है, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सेरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सभी के काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स अब मैं आपके लिए
पर डे एक एक जो टॉपिक होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस आंसर लेके आने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, एमएलटी अड्डा और मेरा न्यू चैनल जो सेकेंड चैनल है जिसको मेडिकल ट्यूबर के नाम से जाना जाता है, ये दोनों चैनल में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा और क्वेश्चंस में लेके आने वाला हूँ, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगी फ्रेंड्स। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव गुड डे।